असलम वरह लि उम्मीद है बच्चों आप सब आफियत से होंगे बच्चों जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था दुनिया आखरत की खेती ये उसकी एक्सरसाइज़ है इसका क्वेश्चन नंबर वन है दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए दुनिया की ज़िंदगी है आर्जी इस पर आप निशान लगाएंगे नंबर टू है अल्लाह ताली ने इंसान के अच्छे और बुरे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए मुकर कर दिए हैं दो फरिश्ते इसकी सही ऑप्शन दो फरिश्ते इस पर निशान लगा लें नंबर थ्री है अल्लाह ताला मौत के बाद इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा सही ऑप्शन है हशर के दिन नंबर फोर अल्लाह ताला वज़न फरमाएगा इंसान के अच्छे और बुरे अमाल का नंबर फाइव किरामन कातबीन लिखते हैं अमाल नामा नंबर सिक्स दुनिया की मिसाल एक खेती की सी है सवाल नंबर दो है खाली जगह पूरी कीजिए दुनिया डैश की खेती है खाली जगह में आएगा आखरत नंबर दो है दुनिया और इसमें बसने वाली तमाम मखलूक एक दिन डैश हो जाएंगी खाली जगह में आएगा ख़त्म जिन इंसानों के अमाल नामे में नेकियां ज़्यादा होंगी उन्हें डैश मिलेगी अता की जाएगी खाली जगह में आएगा जन्नत नंबर फ़ोर खेत में किसान जो कुछ बोता है वही डैश है यानी काटता है नंबर फाइव अल्लाह ताला ने इंसान को डैश बनाकर दुनिया की हर नमत अता की मखलूकात नेक्स्ट इस पेज पे है पेज नंबर फिफ्टीन कुरान मजीद अल्लाह ताला की डैश का चश्मा है खाली जगह में आएगा तालीमत इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं नंबर वन है इस दुनिया की चहल पहल और ज़िंदगी हमेशा कायम रहेगी गलत इंसान जो कुछ इस दुनिया में करता है इसका बकायदा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है दुरुस्त नामा माल में नेकियों का वज़न भारी होने पर दो जख़्म में दाखिल किया जाएगा ग़लत हशर के दिन सिर्फ़ नेकियों का वज़न किया जाएगा गलत नंबर फाइव दो एक पुरसकून जगह का नाम है गलत इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं नबी अक्रम सल्ह वसलम ने दुनिया को आखरत की खेती क्यों कहा है चैप्टर के स्टार्ट में इसका आंसर है स्टार्ट से लिखना शुरू करेंगे हमारे प्यारे नबी नकम हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने फ़रमाया अ दुनिया मज़ारत आखिर दुनिया आख़रत की खेती है हज़रत मोहम्मद वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक यह हकीकत वाज होती है कि यह दुनिया जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं एक आर्जी जगह है इसकी चहल पहल इस दुनिया की जो भी चहल पहल रौनक नजर आती है इसे एक दिन ख़त्म हो जाना है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है क्रामन कातबीन किन फरिश्तों को कहा जाता है सेकेंड पैराग्राफ़ की फर्स्ट लाइन के मिट्ट से अल्लाह ताला ने हमारे अच्छे और बुरे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए दो फरिश्ते मुकर कर दिए हैं जिन्हें क्रामन कातबबीन कहते हैं ये फरिश्ते इंसान की नेकियों और बुराइयों का जो रिकॉर्ड तैयार करते हैं वो अमाल नामा कहलाता है ये सेकेंड का आंसर था इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है अमाल नामा अमाल क्यों तैयार किया जाता है इसका आंसर आप लिखेंगे नामा माल इसलिए तैयार किया जाता है कि क़्यामत के दिन जब अल्लाह ताला इंसानों की अच्छाइयों और बुराइयों का वज़न फरमाएँ वज़न फरमाएँगे तो जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा और जिसकी जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो दो में जाएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है योम हशर से क्या मुराद है इसका आंसर यहाँ से है जब मौत के बाद अल्लाह ताला इंसानों को एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा और तमाम इंसान अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे उस दिन को हशर कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को क्यों पैदा किया है पेज नंबर थर्टीन अल्लाह ताला फरमाता है वमा ख़लतुलजन्ना वनसा अल्लालीबुदून कॉपियों पर आप अरबिक लिखेंगे तर्जमा मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमें दुनिया की ज़िंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए इसका आंसर लिखेंगे हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल वसम की इतात करते हुए बसर करनी चाहिए ताकि हम दुनिया और आख़रत में कामयाब हो सकें जजाकला